बोकारो में सेक्टर 3 स्थित जिला कार्यालय में रविवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 2 दिवसीय राज्य परिषद की बैठक हुई। इसमें पूर्व सांसद और सीपीआई के राज्य सचिव भुवनेश्वर मेहता शामिल हुए। सीपीआई राज्य सचिव ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं सीबू सोरेन के पुत्र होने के नाते हेमंत से पार्टी और प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन हेमंत सोरेन लोगों की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। वहीं अधिकारियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि वे बेलगाम हो चुके हैं। यही कारण है कि प्रखंड से लेकर अंचल कार्यालय में कोई काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है। भुवनेश्वर मेहता ने यह भी कहा कि बेरोजगारी इतनी अधिक है कि लोग परेशान हैं। राज्य में हेमंत की सरकार जब आई थी तो विस्थापितों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अभी तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं हो पाया है। यह चिंता का विषय है। बता दें कि पार्टी 9 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रही है। स्थापित लोग भी तबाह हैं। आज दर्जनों का कोयला के खदान खुल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन उनको उचित जमीन का मुआवजा नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। विस्थापन का कोई जो सर्वमान्य नीति हो, ये सरकार ने नहीं बनाया, पहले भी नहीं बनाई सरकार, जिस पर ज्यादा उम्मीद थी। ये शिवू सोरेन के पुत्र है, शिवू सोरेन आंदोलन किया, वो भी नहीं किया। फिर ये नियोजन नीति जो यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले, भी बोला है रोजगार देंगे 5 लाखों को, किसको देंगे? उन्होंने कोई नियोजन नीति नहीं बनाया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।